कुछ दिनों पहले ही सोन ने स्टेशन पे एक चाय की दुकान खोली है और आज सोन के सारे दोस्त सोन की दुकान पे चाय पीने के लिए आए हैं। तभी आलोक गुल्ली बुली से कहता है कि गुल्ली बुली, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ फालतू में आए हैं। सोन हम लोगों को चाय पिलाने वाला नहीं है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। आलोक की बात सुनते ही गुल्ली कहता है, हाँ आलोक तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो हम लोग किसी दूसरे दुकान में जाकर चाय पीते हैं। गुल्ली की बात सुनने के बाद सोन इन लोगों से कहता है, अरे रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं अभी तुम लोगों को चाय बनाकर देता हूँ। इतना कहने के बाद सोन चाय बनाने के लिए आगे बढ़ता है। सोन चाय बनाने वाला ही होता है कि तभी सोन को एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है। हॉर्न की आवाज सुनने के बाद सोन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी घड़ी में टाइम देखने लगता है। अरे ये क्या, रात के तो 12 बज चुके हैं। ये देखकर सोन भागता हुआ अपनी दुकान से बाहर चला जाता है। दुकान से बाहर आने के बाद सोन अपने दुकान का शटर बंद कर देता है और सोन इन लोगों से कहता है कि हम लोगों को अपने अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। सोन की बात सुनने के बाद बुल्ली सोन से कहता है कि सोन, अगर तुम्हें हम लोगों को चाय नहीं पिलानी थी तो तुम हम लोगों को पहले ही बता देते, हम लोग यहाँ से चले जाते, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है। सोन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी इन लोगों को किसी की आवाज आती है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो एक आदमी है और ये आदमी इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं है कि सापित ट्रेन के आने का टाइम हो गया, जल्दी से अपने अपने घर चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तुम लोग भी अपने अपने घर चले जाओ। इतना कहने के बाद ये आदमी दौड़ते हुए यहाँ से चला जाता है। तभी बुल्ली कहता है, मुझे लगता है कि वो आदमी पागल है, तुम लोग उसकी बातों पर ध्यान मत दो। बुल्ली की बात सुनते ही सोन बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली वो आदमी पागल नहीं है, वो आदमी सच बोल रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ एक ट्रेन आएगी जो कि सापित है, जो भी उस ट्रेन में जाता है वो कभी वापस नहीं आता है क्योंकि उस ट्रेन में बहुत सारे भूत रहते हैं, इसीलिए जल्दी से घर चलो, यहाँ रुके तो हम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। सोन ये तुम क्या बात कर रहे हो, कहीं उस आदमी के साथ साथ तुम भी तो पागल नहीं हो गए। बुल्ली की बात सुनते ही सोन बुल्ली से कहता है कि बुल्ली मैं पागल नहीं हुआ हूँ और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम लोग उस ट्रेन में जाकर देख सकते हो। सोन की बात सुनते ही बुल्ली सोन से कहता है कि सोन अगर ऐसी बात है तो हम लोग उस ट्रेन में जाकर देखेंगे कि उस ट्रेन में भूत है या नहीं। तभी सोन कहता है, अगर तुम लोग उस ट्रेन में जाना चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि उस ट्रेन में बहुत ज्यादा खतरा है। तभी बुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन उस ट्रेन में कोई खतरा वतरा नहीं है, हम लोगों को पता है कि तुम डरपोक हो, तुम उस ट्रेन में जाने से डर रहे हो, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम हम लोगों के साथ मत जाओ। बुल्ली की बात सुनते ही सोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोन बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, चलो मैं भी तुम लोगों के साथ उस ट्रेन में चलता हूँ। और फिर कुछ देर बाद ये लोग खड़े होकर उस ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। ये लोग उस ट्रेन के आने का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को सामने से सापित ट्रेन आता हुआ दिखाई देता है। इन सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि सोन इन लोगों के साथ मजाक कर रहा है, पर इन लोगों को पता नहीं है कि सोन इन लोगों को सच बोल रहा है। कुछ देर बाद ये ट्रेन इन लोगों के सामने आकर रुक जाती है। तभी रॉड इन लोगों से कहता है कि चलो हम लोग ट्रेन के अंदर चलते हैं। इतना कहने के बाद ये सारे लोग उस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। ट्रेन के अंदर आने के बाद ये सारे लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी बुल्ली सोन से कहता है कि सोन तुम तो कह रहे थे कि इस ट्रेन में बहुत सारे भूत हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी भूत नहीं दिखाई दे रहा है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सापित ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। कुछ देर बाद इन लोगों की ट्रेन एक ब्रिज के पास आ जाती है। ब्रिज के पास आते ही इन लोगों की ट्रेन धीमी हो जाती है। अरे ये क्या, ये सारे लोग तो नीचे नदी को देखने में लगे हुए हैं। और फिर इस ब्रिज के खत्म होते ही वापस से इन लोगों की ट्रेन स्पीड हो जाती है। और फिर बहुत देर बाद इन लोगों की ट्रेन एक खतरनाक से जंगल में आ जाती है। अरे ये क्या, ये जंगल तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुनसान है। अरे ये क्या, ये सारे लोग तो सोए हुए हैं। ये लोग सो रहे हैं पर इन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं।
सारे लोग सो ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सोन उठ जाता है और सोन अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। पता नहीं सोन ने ऐसा क्या देख लिया। सोन ने देखा कि आगे वाली सीट पे तो कोई बैठा हुआ है और फिर सोन उस आदमी को देखने के लिए धीरे धीरे उस आदमी की तरफ जाने लगता है। अरे ये क्या, वो भूत तो गायब होकर सोन के पीछे आ गया, पर सोन को पता नहीं है कि वो भूत सोन के पीछे है। और फिर सोन जैसे ही पीछे पलटता है तो सोन उस भूत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, इधर तो ये सारे लोग सो रहे हैं, तो अब क्या होगा आगे? क्या ये भूत सोन को मार देगा या फिर सोन इस भूत से बच जाएगा? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट टू में। पार्ट टू देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स, अगर आपका नाम इस पे नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।